तो गाइस अब मैं इसको ये लगाने लगा हूँ फ्लूट वाल। ये पानी ऑटोमेटिक होगा इसका, इस जितना पानी कम होगा ये उसमें पानी कूलर में डल जाएगा। तो ये लगाते हैं इसको इस तरफ क्योंकि इसका पानी इधर से आना है, वो सामने से उधर वाल वो टूटी लगी हुई है तो उधर से आएगा पाइप और इधर आके लग जाएगा, इधर से लग जाए, इधर से लगा दें ऐसे ठीक है, इधर से ले आके इधर इधर से ऐसे सही लगेगा, ऐसे लगा देते हैं इधर इसके अंदर और ये चलेगा ज़बरदस्त। तो लगा के आपको दिखाते हैं, आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब इसकी मोटर भी मैंने चेंज कर दी है क्योंकि इससे पहले और मोटर थी, तो अब ये वाली लगा दी है। ये मेरे पास इसका काफ़ी स्टॉक पड़ा है मोटर का, ये मोटर बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त चलने वाली है, हवा भी इसकी उससे बेहतर है। तो वो दिखाता हूँ दूसरी आपको मोटर जो हमने निकाली है, तो वो इधर पड़ी है, तो ये देख सकते हैं आप, ये वाली मोटर है बग़ैर कार्बन के है, ठीक है ये वाली। तो अब इंशाल्लाह इसके साथ ना एक और चीज़ बनाएंगे इस मोटर के साथ, वो ही बहुत ही नायाब होगी जो मैंने सोच रखी है। आप हमारी वीडियो देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको हर वीडियो में कुछ नया मिलेगा, कुछ नया और हैरान कन मिलेगा, कुछ नया ही मिलेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया हो जाए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाए जो इससे हमारे जो है ना मुल्क में कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतरी हो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट होता रहे। तो ठीक है मैं ये लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए इसके होल करने के लिए मैंने ये लेके आया हूँ परमा, ये आप देख सकते हैं इस डब्बे में है, ये आपको मिल जाएगा 20 mm इसका साइज़ है, ये परमा है, इसके साथ इसका होलसा करेंगे उसके बाद लगा के आपको दिखाते हैं। जी गाइस फाइनली फाइनली मैंने इसको पाइप लगा लिया है, ठीक है देखिए उधर से और पानी इसमें कंप्लीट हो रहा है, ये हो नहीं रहा है, टैंकी में पानी ख़त्म हो गया, तो देखते हैं। पानी ख़त्म हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ पानी कितना कितना आ रहा है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को